हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं एक सोलर पावर किट लेके आया हूँ। एक कार किट है गाइस, ये मेरे पास काफ़ी समय से पड़ी हुई थी। चलो आज इसके बना के देखते हैं वो ये वाकई में काम करती है या नहीं करती है। यहाँ पे इसका सोलर पैनल देख सकते हो आप। इस कार के साथ दोस्तों हमें इस तरह से एक PVC सीट मिलती है, उस पर हमें एक इस तरह के क्लिप मिलते हैं। क्लिप को हम स्क्रू की मदद से इस तरह से टाइट कर देंगे। देखिए गाइस, इसी तरह से मैंने चारों क्लिप को यहाँ पे टाइट कर दिया है। यहाँ पे ले रहा हूँ मैं डीसी मोटर। डीसी मोटर पे हम इस गियर को इस तरह से फिक्स कर देंगे और ये मोटर हम यहाँ पे इस तरह से लगने वाली है। इसको भी हम यहाँ पे एक क्लिप की मदद से इस तरह से टाइट करेंगे। देखिए गाइस, डीसी मोटर को हमने यहाँ पे अच्छे से फिक्स कर दिया है। अभी देखेंगे यहाँ पे हमारे जो इसके साथ एक मेटल रॉड आती है उसमें हमने एक गियर लगाया है। गियर को हम इस तरह से फिक्स करेंगे ताकि जो कि डीसी मोटर के साथ अटैच हो सके। अभी दोस्तों ये छोटे छोटे वार्सल आते हैं, वार्सल को हम इस तरह से लगाएंगे ताकि ये जो गियर है वो निकले ना। और दूसरे साइड भी हम इस तरह से लगा देंगे और इसमें भी छोटे छोटे वार्सल लगा देंगे दोनों साइड से। देखिए गाइस, ये गियर इस मोटर के साथ अटैच हो रखा है और निकल भी नहीं रहा है। अभी हम इसके टायर को फिक्स कर देते हैं। ये अच्छे से घूमनी चाहिए टायर गाइस। अभी देखेंगे इसके बैक साइड के भी हम टायर लगा देंगे इस तरह से। यहाँ तक हमारी कार बन के रेडी हो गई है। अभी हम इसमें सोलर पैनल लगाएंगे। सोलर पैनल लगाने के लिए गाइस मैं यहाँ पर डबल टेप का यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने डबल टेप लगाया है और सोलर प्लेट को हम इस तरह से यहाँ पे चिपका देंगे और इसके वायर को हम इस तरह से यहाँ से निकाल देंगे बैक साइड में। अब इन दोनों वायरों को गाइस हम मोटर के साथ अटैच कर देंगे। इसको हम यहाँ पे सोल्डरिंग करने वाले हैं ताकि ये अच्छे से फिक्स हो सके, बार बार निकले ना। बस गाइस, हमारी ये सोलर कार बनने ही वाली है। तब तक आप वीडियो को लाइक कीजिए। अगर चैनल पे पहली बार हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। गाइस, मेरे चैनल पे आपको RC कार से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो भी मिल जाएगी। यहाँ पे मैं इसको धूप में लेके आ गया हूँ। अभी देखेंगे गाइस, जैसे हम इसको यहाँ पे, अभी यहाँ पे धूप भी बहुत कम है तो ये चल नहीं रही है। थोड़ा सा इसके टायर को थोड़ा सा घुमा रहा हूँ तो ये फिर काम कर रही है, वरना ये नीचे रख के तो ये काम ही नहीं कर रही है। अभी देखिए गाइस, थोड़ा सा मैंने इसको धूप की साइड किया है तो थोड़ा सा इसके टायर चलने लग गए हैं। जैसे ही मैं इसका नीचे रख रहा हूँ, आई थिंक गाइस इसमें वेट ज़्यादा हो रहा है, इस वजह से ये काम नहीं कर रही है और ऊपर हाथ पे उठाने पे ही ये चल रही है। इसी कार से हम नेक्स्ट वीडियो में एक रिमोट कंट्रोल कार बनाने वाले हैं गाइस। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा ताकि उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके।